अविकारी शब्द या अव्यय, इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। अविकारी शब्द अ मतलब नहीं, विकार का अर्थ परिवर्तन, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन न हो, नो चेंज, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। इस प्रकार जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन व काल के कारण कोई बदलाव नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं। अव्यय के भेद: क्रिया विशेषण एडवर्ब, संबंध बोधक पोस्ट पोजिशन, समुच्चय बोधक कंजंक्शन, विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। एक, क्रिया विशेषण एडवर्ब। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण: स्थानवाचक कहाँ, कालवाचक कब, रीतिवाचक कैसे, परिमाणवाचक कितना, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मोहन दिल्ली से आज आया है, बच्चे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, दूध से ग्लास आधा भरा है। दो, संबंध बोधक पोस्ट पोजिशन। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे, बिल्ली मेज के नीचे है, मेरे घर के पास अस्पताल है। तीन, समुच्चय बोधक कंजंक्शन। जो शब्द दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे, सुमित और मनीष भाई हैं। मैंने बहुत मेहनत की परंतु परीक्षा में सफलता नहीं मिली। चार, विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, क्रोध, भय, लज्जा आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे, वाह क्या छक्का मारा है, छी छी कितनी गंदगी है। पाठ में हमने क्या सीखा, जानिए। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन व काल के कारण कोई बदलाव नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं। क, क्रिया विशेषण। ख, संबंध बोधक। ग, समुच्चय बोधक। घ, विस्मयादि बोधक।